गुवाहाटी काली पूजा के इतिहास में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड होने जा रहा है थीम को लेकर। आप लोगों को बता दूं, नहट्टी में फर्स्ट टाइम एक ऐसा थीम बनने जा रहा है जो देखकर आप लोग आश्चर्यचकित हो जाइएगा, एक्साइटेड से भर जाइएगा, और महादेव के, महाकाल के जितने भी भक्त हैं वो लोग अभी से ही गुणगान गाना चालू कर देंगे और एक्साइटेड हो जाएंगे कि वहाँ जाना जरूर है और ये थीम देखना जरूर है। चलिए, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि महादेव का कौन सा थीम नहट्टी में बनने जा रहा है, कहाँ बनेगा, कौन सा क्लब करा रहा है और क्या आश्चर्यचकित होने वाला बात रहने वाला है। तो मैं अनूप प्रसाद आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ सर्चिंग फॉर पास्ट यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ढेर सारा प्यार जरूर दीजिएगा। स्क्रीन के पीछे जो आप लोग बैनर देख रहे हैं, बैनर देखने से पहले आप लोगों को कुछ फुटेज दिख रहा होगा स्क्रीन पे जो शुरू से प्ले हो रहा था भोलेनाथ का। भोलेनाथ का ये एक रूप है, इस रूप का नाम है आदि योगी। आदि योगी का यह मूर्ति, आदि योगी का यह रूप भारत के कौन से कोने में स्थित है? तो भारत के कोयंबटूर में स्थित है। तो दोस्तों, कोयंबटूर में स्थित भोलेनाथ का यह रूप जिसका नाम है आदि योगी, आदि योगी का यही मूर्ति हूबहू सेम कॉपी पेस्ट करके इस बार 2023 श्यामा पूजा यानी कि काली पूजा के उपलक्ष पर नहट्टी में अभिजात्री क्लब इसको बना रही है। क्लब का नाम है अभिजात्री क्लब। तो इस बार का अभिजात्री क्लब का जो थीम होने जा रहा है, कोयंबटूर में बसा भोलेनाथ का एक रूप आदि योगी। इसका जो निर्माण शुरू हो चुका है, हाइट आप लोगों को बता दूं 80 फुट का यह मूर्ति यहां पर बनाया जा रहा है आदि योगी का। इसमें आप लोगों को लेजर लाइटिंग का इफेक्ट देखने मिलेगा। लेजर लाइटिंग के साथ ही साथ इसमें भोलेनाथ का कुछ तांडव भी आप लोगों को दिखाया जा सकता है। मैं अभी कंफर्म नहीं हूं क्योंकि दुर्गा पूजा में आदि योगी का यह रूप, ये थीम जहां जहां बना है वहां वहां लेजर लाइटिंग इफेक्ट के साथ शो भी दिखाया गया है। तो मैं कुछ दिनों बाद, अभी ये सस्पेंस में रहेगा कि लेजर लाइटिंग तो शो रहने ही वाला है लेकिन उसके अलावा क्या तांडव दिखाया जाएगा, तो ये अभी सस्पेंस में है। मैं 2 से 3 दिन के बाद अभिजात्री क्लब के पास पहुंचूंगा, इंटरव्यू लूंगा, सारा चीज़ जानने का कोशिश करूंगा कि इसमें आकर्षण से भरा क्या क्या चीज़ रहने वाला है पंडाल के अलावा, लाइटिंग के अलावा। तो चलिए, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक इसी तरह हर एक हिंदू धर्म का फेस्टिवल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव महाकाल का नारा लगाना मत भूलिएगा और साथ ही साथ जय माँ काली का भी नारा लगाना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए पूजा मंडप थीम के साथ, कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए आज का मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय माँ काली, वंदे मातरम।